क्या कर रही है अभी? बिल्कुल, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस प्रकार विषयांतर ना हो, जिलाधिकारी उस मैटर को विषयांतर करें, डाइवर्ट लगातार करें। तो आपने जो सवाल आप किए और दलित बीजेपी के बच्चों के प्रवक्ता साथ जो राकेश त्रिपाठी भेदभाव जी हुआ भी है, जो चले गए, मानसिक आपके उत्पीड़न सवालों हुआ का है, जवाब नहीं दिया। उसकी जांच करा करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और यदि डीएम उसमें शामिल है तो डीएम के विरुद्ध भी कार्रवाई हो। जी चलिए मदन राम जी, आप सुनिए एक बार, हम आपके सामने ही दर्शकों को सुनाते हैं कि किस तरह से डीएम ने आपके पहनावे पर सवाल खड़े किए और आपकी भावनाओं पर सवाल खड़े किए। जूते की कीमत क्या है भाई साहब इसकी? ये गलत इस गलत आरोप जूते की लगा रहे कीमत हैं। क्या है बताइए? गलत आरोप लगा रहे हैं सर ये। इस जूते की कीमत क्या है? डीएम साहब आप गलत आरोप लगा रहे इस हैं। घड़े की कीमत क्या है? आप डीएम साहब गलत आरोप लगा रहे हैं। इस घड़े की कीमत ये, क्या है? ये गलत बात है भाई। डीएम साहब ये गलत, ये तो वास्तविकता का सिर्फ एक अंश है। आप भी इसे अंतर कर रहे हैं। मुद्दे पे बात अंदर होगी, आइए। आप भी इसे अंतर कर मुद्दे पे बात अंदर होगी, मैं आपके साथ बहस करूंगा। आपका काम क्या सिर्फ तमाशा करना है? हम आपको अवगत कराना। आपका काम सिर्फ तमाशा करना? सर आपको अवगत कराना। आइए ना अंदर आके अवगत कराइए। सारी बलिया को अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा कपड़े की बात नहीं है, मैं अच्छा ये जूता पहनना, विषय पे 700 रुपए का जूता पहनना, एक डीएम बलिया को अच्छा नहीं लग रहा करने है। हमारे जिलाधिकारी साहब की ये मानसिकता है, अब जरा भीतर आइए मेरे साथ। जिलाधिकारी बलिया की ये मानसिकता है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। आया है क्या देखता है? 25 लाख की गाड़ी में सफेद पोश आया है। जूते की कीमत क्या है भाई साहब इसकी? ये गलत इस जूते की कीमत क्या है बताइए? गलत आरोप लगा रहे हैं सर ये। इस जूते की कीमत क्या है? डीएम साहब आप गलत आरोप लगा रहे हैं। इस घड़े की कीमत क्या है? आप डीएम साहब गलत आरोप लगा रहे हैं। इस घड़े की कीमत क्या है? ये गलत बात है भाई। डीएम साहब ये गलत, ये तो चलिए मदन राम जी, हमने दर्शकों को सुनाया किस तरह से यहाँ पर डीएम आपके पहनावे पर सवाल खड़े कर रहे थे, आपकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। क्या ये व्यवहार आपको जायज लगता है? आपको लगता है कि कोई मानसिकता है जिसको डीएम बढ़ावा दे रहे हैं, उनको परेशानी क्यों हो रही है? इससे पहले कैंसर पीड़ित के भाई से भी उन्होंने घड़ी की कीमत पूछी थी। जो बीजेपी और नफरत की धारा है उसको जिलाधिकारी बल्ले आगे बढ़ा रहे हैं, नफरत की भावना बढ़ा रहे हैं जिलाधिकारी।